हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीसीटीवी की इस ट्रेनिंग में। आज मैं बताऊंगा ऑन रीफ प्रोटोकॉल के बारे में, जो कि आईपी सीसीटीवी सिस्टम में यूज होता है। ऑन रीफ की फुल फॉर्म होती है ओपन नेटवर्क वीडियो इंटरफेस फोरम। एक्चुअली ये जो डेवलप हुआ था 2008 में डेवलप हुआ था, और ये क्यों किस लिए डेवलप हुआ था मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल की मदद से। देखिए, मुझे हिंदी आती है और मुझे चाइना जाना है, तो चाइना वाले चाइनीज लैंग्वेज जानते हैं, और मुझे उनसे कम्युनिकेट करना हो तो मैं उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा। मुझे एक कॉमन लैंग्वेज चाहिए होगी जिससे कि मैं उनसे कम्युनिकेट कर सकूं। तो यहाँ पर जो कॉमन लैंग्वेज होगी वो होगी इंग्लिश। अगर उनको भी इंग्लिश आती है और मुझे भी इंग्लिश आती है तो आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे। ऐसे अगर मैं आईपी सीसीटीवी की बात करूँ तो मैंने एक एनबीआर लेता हूँ, नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर, जो कि सीपी कंपनी का है, और मैं एक कैमरा लेता हूँ जो कि मुझे अपने एनबीआर में कनेक्ट करके उसको रिकॉर्ड करना है और अपने डिस्प्ले पे देखना है। तो मेरा कैमरा जो है वो हिकविजन कंपनी का है। अब जो एनबीआर है उसका जो प्रोटोकॉल अलग है, और जो मेरा कैमरा है उसका प्रोटोकॉल अलग है। अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कराऊंगा, एनबीआर और सीसीटीवी कैमरा को, तो ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे क्योंकि इनका प्रोटोकॉल अलग है। अगर इनका सेम प्रोटोकॉल होता तो ये आपस में कम्युनिकेट करते। तो इसके सॉल्यूशन के लिए एक ऑन रीफ प्रोटोकॉल बनाया गया, ताकि एक स्टैंडर्ड है, ये हर एनबीआर में इनबिल्ट होता है ऑन रीफ प्रोटोकॉल, और हर कैमरा में इनबिल्ट होता है ऑन रीफ प्रोटोकॉल, ताकि अगर दोनों के प्रोटोकॉल सेम ना हो एनबीआर को कैमरा के, तो इस प्रोटोकॉल के मदद से आपस में इनको कम्युनिकेट करा जा सके। जैसे कि अभी आप मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ स्क्रीन पे। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे एक कैमरा है जो कि आईपी कैमरा है, और मैंने एक एनबीआर लिया है, ठीक है, और मैंने एक मॉनिटर लिया है। अब मैंने अपने कैमरा को एनबीआर से कनेक्ट कर दिया, और उस कैमरा का डिस्प्ले देखने के लिए मैंने मॉनिटर कनेक्ट कर दिया। जो आपका आईपी कैमरा है वो मैन्युफैक्चरर ए का है, मैं मान लेता हूँ ये मेरा हिकविजन का है, और मेरा जो एनबीआर है, एनबीआर जो है सीपी प्लस का है। अब इन दोनों का प्रोटोकॉल अलग है, इन दोनों का प्रोटोकॉल अलग है, तो आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ऑनरीफ प्रोटोकॉल यूज करूंगा जो कि हमारे एनबीआर के अंदर इनबिल्ट होगा, इनबिल्ट होगा, ठीक है। अगर मैं उसको यूज करना चाहता हूँ तो मैं उसको यूज कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे कैमरा के अंदर भी इनबिल्ट आएगा। तो आजकल सारी कंपनीज जो दे रही हैं इनबिल्ट जो है ऑनरीफ प्रोटोकॉल दे रही हैं, ठीक है। वो इसलिए देती हैं कि अगर आपकी कैमरा है, आपको कैमरा किसी एनवीआर से ऐड करना है, तो एनवीआर का प्रोटोकॉल जो है दूसरे प्रोटोकॉल पर काम कर रहा है, तो आप उस ऑनरीफ प्रोटोकॉल को यूज कर लें कम्युनिकेट कराने के लिए। ऐसे अगर आप एनवीआर के कोई कैमरा है उसका प्रोटोकॉल डिफरेंट है, तो आप अपने एनवीआर में ऐड कर लें दोनों को, वाइस वर्सा। तो आप इसको ऐसे यूज करते हैं। अब आपकी डिवाइस जो है वो ऑनरीफ पे कैसे काम करेगी, देखिए ऑनरीफ आपको डिवाइस कैसे सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एनवीआर है, एनबीआर से आईपी आप कैमरा आपको कनेक्ट करना है, ठीक है, और दोनों के प्रोटोकॉल अलग है और दोनों ऑन रीफ पे काम करना चाहिए। तो आपके रिक्वायरमेंट जो है, जो आप स्क्रीन पे अभी देख रहे होंगे, जैसे कि प्रोफाइल एस है यहाँ पर, तो प्रोफाइल एस में क्या आता है, बेसिक प्रोफाइल दैट सपोर्ट वीडियो ऑडियो पीटीजेड कंट्रोल। अगर आपको वीडियो ऑडियो पीटीजेड कंट्रोल चाहिए, तो आपको जो कैमरा सिलेक्शन होगा आपका ऑन रीफ प्रोटोकॉल पर जो कैमरा सिलेक्शन होगा वो आपको प्रोफाइल एस का होगा, ठीक है। आपको प्रोफाइल एस का कैमरा सिलेक्शन करना होगा। ऐसे ही आपको स्टोरेज चाहिए, सपोर्ट स्टोरेज चाहिए, तो आपको प्रोफाइल जी का सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। आपको ऐसे ही आपको सपोर्ट डिवाइस डिस्कवरी ऑन द नेटवर्क, तो प्रोफाइल क्यू का करना होगा। फिर आपको सपोर्ट द H.265 कोडेक का करना है, तो प्रोफाइल टी का करना होगा, कैमरा सिलेक्ट करना होगा आपको अपने एनबीआर में लगाने के लिए। अभी जो कैमराज आते हैं वो दो प्रोफाइल में भी आते हैं, आपको प्रोफाइल एस में भी मिलेगा और प्रोफाइल जी में भी मिलेगा, तो आप उससे भी इसको दो प्रोफाइल का भी आता है। मोस्टली सारे कैमरा जो होते हैं दो प्रोफाइल में आते हैं, प्रोफाइल एस में, प्रोफाइल जी में। एस में वीडियो ऑडियो पीटीजेड कंट्रोल, और फिर आपको स्टोरेज के लिए भी आता है। आप देखते होंगे कोई भी कैमरा होता होगा तो कैमरे के अंदर वो एक जो है मेमोरी कार्ड लगाने के लिए भी देते हैं, ताकि आप जो भी रिकॉर्डिंग हो रही है कैमरे के अंदर वो उस मेमोरी कार्ड में भी आ जाए। तो दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा ऑनरीफ प्रोटोकॉल क्या है, और आपको अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को जल्दी से आप लाइक करें, और वीडियो को शेयर भी आप कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लें, और घंटी का बटन भी आप दबा दें। तो दोस्तों,
थैंक यू सो मच।